हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी इतना गंदा मौसम हो रखा है ना, जिसमें तबीयत अलग ख़राब हो रही है, हमारी स्किन पर भी इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। विंटर सीजन जैसे ही आ जाता है ना, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। हमारी शोंची आ गई, शोंची आज डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी, तो अभी मम्मी बस दिखा कर ही लाई हैं उसको। हमारी शोंची ये आ गई, हमारी शोंची आगे गया। हाँ, बैलेंस भी जाके खत्म हुआ। हाँ, ना किसी को मैसेज आ रही, ना कुछ, उसको काम था घर से। अब हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा। बोलो, कोई का फोन भी नहीं आ रहा कि मैं मेरी स्किन तो ड्राई ही है, लेकिन जिनकी ऑयली स्किन होती है ना विंटर सीजन में, उनकी भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो आप गर्म पानी से और स्क्रब करने से थोड़ा सा दूर रहेंगे ना, तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। और प्रोडक्ट कौन से यूज़ करने हैं, बहुत सारे लोगों को ये रहता है ना कि हम विंटर सीज़न है, हमारी स्किन की केयर हमको करना है, लेकिन टाइम हमें मिल नहीं पाता है अपने लिए। कुछ भी अगर हम घर के नुस्खे भी ट्राई करते हैं, उसमें भी समय लगता है। तो टाइम की बहुत ज़्यादा अभी इस समय शॉर्टेज ही है सभी के पास में, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होता है, समय कम मिलता है। और अपने ऊपर समय खर्च करने में जो फीमेल्स हैं ना, वो बहुत 100 बार सोचती हैं तब वो अपने ऊपर समय खर्च करती हैं, नहीं तो उनके लिए उनकी फैमिली ही प्रायोरिटी होती है। तो अगर आप भी अच्छे प्रोडक्ट चाहते हैं, क्योंकि मैं इतने टाइम से क्योर स्किन के प्रोडक्ट ही यूज़ कर रही हूँ, समर सीज़न हो, विंटर सीज़न हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं वही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो उसी का सजेशन आपको मैं दूँगी, जो आप प्ले स्टोर से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पर लाइव चैटिंग करने के बाद में आप अपने फेस को एनालाइज करवा कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो आपके फेस को एनालाइज करेंगे, और जो भी दिक्कत आपके फेस पर है, आपकी स्किन पर है, उसके सॉल्यूशन के लिए वो एक किट रेडी करके देते हैं, जो कि अभी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। हमारी स्किन के लिए ना सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है ना केयर करने के लिए, वो होता है फेस वॉश। और अगर वो आपके पास अच्छा है, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है, ये लोग बात नहीं करने देंगे मेरे को सही से यहाँ पर। तो ये है क्योर स्किन की किट, जो कि आपको भी रिसीव होगी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, जो भी प्रोडक्ट आपके आपको देने चाहिए, जो कि इसमें जो डॉक्टर्स होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपके लिए अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये जो फेस वॉश है, जिसका यूज़ मैं 2 बार करती हूँ, एक बार सुबह के टाइम में और एक बार रात में जब मैं बुटीक वगैरह से आ जाती हूँ, बाहर जाती हूँ तब। तो ये बहुत ही सॉफ्ट आपकी स्किन के लिए है, हार्श नहीं है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, सेंसिटिव है, सबके लिए ये बेस्ट है। मॉइस्चराइज रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्रीम, जो ये मुझे तो ये क्रीम दी गई है, जो कि अल्टरनेट डे की भी है, वीक में एक बार यूज़ करने की भी है। आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको एक किट मिलेगी, जिसमें हो सकता है कि इसमें जो प्रोडक्ट हैं वो कम हो, ज़्यादा हो, जैसे भी डॉक्टर्स आपको दें। मेल फीमेल दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का यूज़ आपको आगे करने के लिए इसको डाउनलोड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं फॉलोअप लेते रहते हैं 15 से 20 दिन में, डाइट चार्ट भी देते हैं कि आपको क्या खाना है समय पर, तो आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपको नीड हो और आप भी चाहते हैं अपनी स्किन को विंटर सीजन में हेल्दी रखना, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से क्योर स्किन के एप्लीकेशन को। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूंगी, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको कुछ परसेंट का डिस्काउंट भी मिलेगा। सो हरि अम गाइस, गुड्डू रानी लेटी है। दादू खिला रहे हैं, क्योंकि आज सुबह नीचे गई है। अभी अकेले एक रूम में रहकर भी तो इंसान बोर हो जाता है ना। सुबह कब से रूम में है तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, बोले आज मैं नीचे ही खाना खाऊंगी। मैं रोज़ रात में सोने से पहले ना सोच के सोती हूँ कि कल सुबह उठूँगी ना तो मैं ये काम करूँगी, वो काम करूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। रोज़ मेरा ऐसे ही चला जा रहा है, कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ। और उसका कारण ये है क्योंकि मन शांत नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये जो भी चीज़ें हुई हैं उससे निकलने में काफ़ी समय लग जाएगा, और कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, लेकिन मेरी जो लाइफ है वो पूरी उथल पुथल होकर रह गई है, पूरी ही पलट गई है, सब कुछ चेंज हो गया है। और मेरे लिए सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाना इतना ईजी नहीं है, तो टाइम लग रहा है, काफ़ी टाइम लगेगा। हो सकता है आगे मैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं काम ही नहीं कर पाऊँगी।
मेरी जगह कोई भी होता तो उसके लिए इजी नहीं है। इजी क्या है, ऐसे कंडीशन में लोग गलत कदम तक उठा लेते हैं, इतना तक कर लेते हैं, क्योंकि मेंटल प्रेशर ना नहीं झेल पाते, सभी लोग नहीं झेल पाते हैं। और मैं वैसे भी डिप्रेशन की पेशेंट हूँ और उसकी टेबलेट वगैरह मैं लेती हूँ, वो लेते रहते मुझे 7 से 8 महीने हो गए हैं। चाहती हूँ ना कि ये जो पिल्स है ना ये मैं खाना छोड़ दूँ, क्योंकि इसके बिना अब मुझे नींद नहीं आती, आदत हो गई है। आदत होने के बाद मैं अब अगर मैं ये पिल्स नहीं लेती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, बहुत प्रॉब्लम जाती है हमारी बॉडी में भी और हमारे हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है अगर एक दिन भी गैप हो जाता है तो ये बहुत हार्मफुल दवाइयाँ होती हैं, इनको नहीं लेना चाहिए। तो अभी मैं एक है डॉक्टर सोनल करके, तो उनसे मेरी बात होती है और वो मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं वो लोग, उनसे अभी मेरी कुछ दिनों से बात चल रही है। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इस प्रोजेक्ट में काम करूँ और मैं अपने आप को इन सब चीज़ों से निकालना चाहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी उथल पुथल तो हुई है। कभी कभी ऐसे जब अकेले बैठो तो ऐसा लगता है ना कि जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा हमारे पास में। तो ताशी है, अगर ताशी नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होती। उसको देख कर जीने की उम्मीद अंदर से जागती है कि नहीं, इसके लिए मैं नहीं हूँ तो कौन करेगा, कौन इसके लिए सारी चीज़ों को, क्योंकि इसके पापा पहले ही नहीं हैं। तो मेरी लाइफ ने एक नया मोड़ लिया था, फिर वो सारी चीज़ों से वापस आना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल जा रहा है। और उसी में इतने सारे लोगों के अटैक एकदम से मेरे ऊपर, तो इजी नहीं है मेरे लिए, समय बहुत कठिन है, मेरी फैमिली के लिए भी कठिन है, पर कोशिश कर रहे हैं कि इससे बाहर आएं और जल्दी इससे बाहर शायद आ जाएंगी मैं और मेरी कचरा गाड़ी और मेरा व्लॉग। कचरा गाड़ी का वेट कर रहे हो मम्मी इतने अच्छे से? मेरे को लगा कचरा गाड़ी भी आ रही है। चलो मम्मी इतने दिन बाद मैं जा रही हूँ, कैसा फील कर रही हूँ? जा रोज जाया कर, वहीं देखा। आज मैं बुटीक जा रही हूँ, बड़ा वाला ले आया क्या इस बार? हमारे यहाँ तो खाने के साथ में नमकीन चलते ही चलता है, वो तो चाहिए ही चाहिए। यार डब्बा मेरे को दे देना, मैं ऊपर रख लूँगी। खट्टा मीठा नहीं खाती मैं एकदम, मेरे को तीखा वाला पसंद है। तीखा दूसरा होगा ये, सर खट्टा मीठा गुजराती। अच्छा गुजराती। चलो चलते हैं, आज बुटीक जा रहे हैं काफ़ी दिनों बाद। वैसे तो स्टाफ सब देख लेते हैं लेकिन एक इम्पॉर्टेंट काम भी है आज मेरा, वहाँ पर निकलते हैं। चूहा भगाने जा रही हूँ मैं, बुटीक पर चूहा भगाने जा रही हूँ, मेरा ये इम्पोर्टेंट काम है। नहीं एक से मिलना भी है, बुलाया हुआ है मैंने, उनसे मिलना है मेरे को। इसी के साथ मैं करते हैं ये वाले ब्लॉग को एंड और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बुटीक पर अगर हुआ तो मैं शूट करूँगी, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में।